कोई एक हफ्ते के इंतजार के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वो पैकेज की घोषणा की जिसकी बेहद जरूरत थी। इसमें रसोई के लिए कुछ है, बुजुर्गों के लिए कुछ है, हेल्थ वर्कर्स के लिए भी है, लेकिन किसान और मजदूर को एक बार फिर लॉलीपॉप पकड़ा गई निर्मला जी। सबसे अच्छी खबर है हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस, जिसकी बेहद जरूरत थी, और हर व्यक्ति के लिए राशन में प्रति माह 5 किलो ज्यादा गेहूं या चावल, साथ में 1 किलो दाल भी, और फ्री सिलेंडर। इससे रसोई के संकट को दूर करने में मदद जरूर मिलेगी। साथ में बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 1,000 रुपए एक मुश्त देना भी बहुत अच्छा कदम है, इनका स्वागत होना चाहिए। साथ में ऐसी कई घोषणाएं हैं जो घोषणा के लिए घोषणा की जाती है। ईपीएफ वाले से बहुत ज्यादा को फायदा मिलेगा नहीं। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो योजना है वो दरअसल उन्हीं का अपना ही पैसा है, जिस पर सरकार बैठी हुई है, वही पैसा उनको वापस मिल जाएगा। इनसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सबसे निराशा की बात है किसान और मजदूर की। किसान को जो कहा गया कि आपको सम्मान राशि अप्रैल में दे दी जाएगी, अरे भाई वो तो अप्रैल में मिलनी ही थी। जो किसान के सचमुच के मुद्दे थे कि उसको मंडी पे जाने का मौका नहीं मिल रहा, उसका प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, किसान की फसल का नुकसान हो चुका है, उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा, इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। और मनरेगा के वर्कर्स, उनके बारे में तो एकदम गोल कर दिया, कहा कि आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, वेजेस बढ़ जाएंगे, वेजेस तो तब मिलेंगे ना जब काम मिलेगा, काम तो मिल नहीं रहा है। और ऊपर से सरकार मनरेगा वर्कर्स के 6,000 करोड़ रुपए के वेजेस पर बैठी हुई है। वित्त मंत्री इतना कह देती कि चलिए वो रिलीज कर देंगे। पता नहीं क्यों सरकार का आंख खुली, सरकार का मन खुला, इस बार थोड़ी जेब भी खुली, लेकिन किसान और मजदूर के बारे में ना दिल खुलता है ना जेब खुलता है।